लेकर है अंधकार की वे सारी शक्तियां जो इस वचन के फलों के खिलाफ है हम यीशु मसीह के नाम से उसके सारे उस जलते हुए गंदे तीरों को अपने जीवनों से और सभी कलीसिया के जीवन से यीशु के नाम से कैंसल आउट करते हैं परमेश्वर पिता पिता मैं सारी कलीसिया को तेरे लहू में प्रोटेक्ट करती हूं पिता सर से लेकर पांव तक तो हर एक बच्चे को हर एक पिता बड़े को हर एक बुद्धर को अपने लहू से भर दीजिए मेरे प्यारे परमेश्वर अपने अभिषेक से भर दीजिए ताकि आज हमारी बुद्धियां खुल जाए आज हमारी स्पिरिचुअल आंखें खुल जाए स्पिरिचुअल कान खुल जाए परमेश्वर हम जाने पाए मसीह में हमारी बुलाहट की आशा क्या है परमेश्वर हम रहता समा तेरे हाथों में समर्पित करते हैं और हम विश्वास करते हैं पिता हम जब सब भाई और बहन यहाँ इकट्ठे हुए हैं दूरी कोई मायने नहीं रखती हम विश्वास करते हैं आपका आत्मा हर जगह काम करता है परमेश्वर आज पिता परमेश्वर तेरा आत्मा हर जन को छुए चाहे वो कहीं भी हो परमेश्वर चाहे से बाहर भी हो परमेश्वर तेरा आत्मा सबको छुए मेरे प्यारे परमेश्वर और आज के वचनों को सुनकर परमेश्वर हम सभी बहन और भाई सौ गुना फलों को लेकर आए और वे फल फलेश में समर्पित करते हैं और विश्वास करते हैं पिता आने वाले समय में पिता आप उन्हें और बहुत आय से इस्तेमाल करने वाले हैं परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं कि आप सदैव हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं इस पैर से प्रार्थना को उदार करते ये शु के नाम से मांगते हैं Amén. तो खुदावन यस्सु तेरे बरकत नाम से खुदावन दोबारा तेरी हजूरी में हैं। खुदावन तेरे में, खुदावन, दोबारा तेरे तेरे उस, उस लहू में खुदावन अपने आप को चपाते हैं। खुदावन, और है, है। यस्सु मसीह तेरे बारकत नाम से खुदा आज की आजादी तेरे बच्चों की जिंदगी में खुदावन एक उमदा गवाही पैदा करे तेरा कलाम खुदावन इनकी जिंदगी में हर एक हर एक हर एक जख्म को भरने जा रहा है खुदावन तेरा कलाम खुदावन इनकी जिंदगी की हर रुके हुए रस्तों को खुदावन गवाही के साथ खोलने जा रहा है आज की खुदा खुदावन आज की खुदावन, आज की आज की मीटिंग के लिए आज के मसा के लिए आज के वक्त के लिए आज के मौके के लिए धन्यवाद करता हूँ जितने लोग लाइव हैसी के नाम से जितने लोग इस जगह पर मौजूद है खुदावन इससे पहले के खुदावन ये

चले खुदावन के नाम को जलाल देते हैं खुदा के नाम को आ, महिमा मिले क्योंकि खुदावन ने दोबारा चाह कि हम खुदावन की हजूरी में आ सकें एक बात ध्यान से समझना इस चीज़ को बहुत लाजमी है कि खुदा का कलाम जब तक हमसे बातचीत करता रहता है तब तक हम अपने अपने रस्तों को अपने तरीके से नहीं बल्कि खुदावन के तरीकों से चलाते हैं खाल लोिया और याद रखो कि जो बातें आपने अपने विषय में सुनी है जो खुदावन ने अपने कलाम के विषय में आपको बताया है समझाया है कुछ बातें आज भी हमारी जिंदगी में खुदावन अपने वचन के अनुसार कुछ चीजों को बदलना चाहता है बोलो हाल लुह याद रखना खुदा के कलाम में लिखा परमेश्वर ने अब्राहम को बार बार बोला कि मैं तुझे बदलना चाहता हूं मैं तुझे हर समय तुझे हर समय तुझे अपनी सोच अपने विचारों से तोड़कर मैं तुझे अपने मसा में भरूंगा अपनी इच्छाओं में भरूंगा बोलो हालिया कई बार जब हमारी जिंदगी में चीजें पूरी ना हो तो समझ लेना खुदा भर रहा है ठीक है खुदा इज इंक्रीज गॉड इज इंक्रीजिंग इन लाइफ जब हमारी इच्छा पूरी नहीं ना होती गॉड इज इंक्रीजिंग खुदा की इच्छा पूरी हो रही होती है क्योंकि गॉड इज गॉड इज अ प्रोसेस जब खुदाबन जब अपने प्रोसेस में होता है तो हमारी चीजें कहीं ना कहीं डिले नजर आती है पर वचन कहता है खुदाबन वो खुदा है जो चीजों को डिनाई नहीं होने देता समय से समय सर खुदावन एक गवाही को पैदा करता है और उसी गवाही के लिए आज खुदावन हमें ऊंचा करे और मजबूती के साथ खड़ा कर सके प्रोजगार हाल लुहिया चलिए जल्दी से खोलेंगे एक्सोडस चैप्टर वन और ये हिंदी में निर्गमन की किताब कहा जाता है और उर्दू में से खरूज की किताब कहा जाता है एंड आई ट्रूली बिलीव जब आप इस किताब को खोलोगे मैं आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम पैदाश की किताब से मैं शुरू नहीं कर रहा हूँ uh, मैं, से स्टार्ट, नहीं कर रहा हूं। मैं से स्टार्ट कर रहा हूँ कर रहा हूँ वन बेसिक रीजन है इसके पीछे क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है खुदा के में लिखा परमेश्वर ने दुनिया को रच दिया पर खुदा का काम खरूज की किताब में शुरू हुआ बोलो हालिया याद रखना खुदावन ने चीजों को रचा जरूर है पर वचन ऐसा बताता है खुदावन ने जैसे ही इंसान को बनाने के बाद खुदावन ने देखा अब ईमानदारी इनकी जिंदगी में जिंदा रहनी बहुत जरूरी है अगर ईमानदारी इनकी जिंदगी में रहेगी तो खुदावन का वो वचन जो खुदावन चाहता है वो इनकी जिंदगी में जिंदा रहेगा जब तक ईमानदारी इनकी जिंदगी में नहीं है तो जो मर्जी ये जितना मर्जी मेरी बातों को सीखते जाए समझते जाए सुनते जाए उसे महसूस करते जाए उसको अपने जीवन में रख सके पर फिर भी जब ईमानदारी वहां पर ना पाई गई तो खुदा के कलाम में लिखा परमेश्वर ने कहा खुदा के कलाम में भी ऐसे कहा मैं एक समय आएगा मैं कह दूंगा मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ बोलो हाल लोहिया सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट है कि वाई दिस एक्सोडिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये कौन सी किताब जो सी है बहुत लाजमी बहुत इंपॉर्टेंट है और अब जो सीरीज हमने स्टार्ट की है

हाल लिया और बाइबल ऐसा बताती है जिसने उस वचन को सुन लिया खुदा के कलाम में लिखा वो अपने अपने खुद ही से वो मरा और खुदावन की इच्छा में जिंदा हो गया खुदावन के मसा में जिंदा हो गया खुदा की मर्जी में जिंदा हो गया और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब खुदा अपनी अपनी मसा और अपनी इज्जत में हमें खड़ा करता है चलिए जल्दी से खोलेंगे इस किताब को एक्सोडस चैप्टर फर्स्ट आई uh, बिलीव जैसे मैंने इसको फेसबुक um, uh, पर मैंने अपलोड किया था आई बिलीव ने शायद पढ़ा भी होगा अगर जिन लोगों ने इसको पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं विच इज़ वेरी गुड बट आई रियली वॉन्ट टू गेट कनेक्टेड विद ऑफ द पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट वेरी सिग्निफिकेंट रिगार्डिंग अबाउट अबाउट अवर मेंटल लाइफ ठीक है हमारी अपनी मानसिक Uh, स्थिति के बारे में परमेश्वर जो सिखाना चाहता है उसके ना कि अगर हम आत्मिक लोग हैं तो खुदावन अब हमसे और भी उम्मीद रखता है याद रखना आत्मिक लोगों से खुदावन उम्मीद रखता है पापी से खुदावन मुंह नहीं फेरता बल्कि खुदावन उसे मुश्किलों में से भी निकाल के उसे धर्मी बनाने के लिए अपना खून बहाता है और तभी खुदा कलाम में लिखा कि वो पापी से उम्मीद नहीं रखता पर पापी से बचाता है उसको बचाने के लिए अपना खून बहाता है पर खुदावन धर्मी से उम्मीद रखता है याद रखना धर्मी जन से उम्मीद रखने का मतलब है कि जब धर्मी जन अपनी अपनी जिंदगी में वो तय करता है कि वो खुदावन के पीछे चलेगा याद रखना खुदावन उसे कभी पीछे नहीं रहने देता बल्कि खुदावन उसको अपने साथ रखता है हाल लोहिया अब याद रखना आप जो कुछ भी हो जितना भी आपने खुदावन में सीख रहे हो बढ़ रहे हो आप पीछे नहीं हो बल्कि खुदा के साथ हो बोलो हालिया वो टाइम था जब खुदावन के कलाम में पुराने अदनामे में लिखा खुदावन 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 अपने लोगों को पीछे रखता था क्योंकि आगे वो एक 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 आग का बादल चल रहा होता था वो वहां पर उस जगह से उनको रास्ता बताया जाता था उनको एक नियम मिलता था एक कानून मिलता था उनको एक रास्ता पता लगता था पर बाइबल कहती है वचन में लिखा नए अदनामे में परमेश्वर का तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे बल्कि अब मैं तुम्हें अपने पीछे नहीं बल्कि अपने साथ रखता हूँ बोलो हाल तभी विश्व तभी खुदावा का आत्मा हमारे विषय में बहुत खास बात करता चल जल्दी से पढ़ें लेट्स रीड एक्सोडस चैप्टर वन निर्गबन की किताब खरूज की किताब उसका पहला बात उसकी हम चौदह uh, से लेकर अगर कोई मेरे साथ चौदह से लेकर उससे सोलह uh, तक पढ़ेंगे ठीक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आज हम सीखने जा रहे हैं ठीक है चैप्टर वन वर्स फोर्टीन टिल सिक्सटीन जी एक जना पढ़े सिस्टर मरियम अगर आपके पास है तो आप पढ़ सकते हैं वंडरफुल जी पासी जी निर्गमन एक उसका चौदह से सोलह और उनके जीवन को गोरे ईट और खेती की भांति भांति के कामों के कठिन सेवा से दुखी कर डाला जिस काम में वे उनसे सेवा करवाते थे उनमें वे कठोरता का व्यवहार करते थे चिप्रा और पुआ नामक दो इबरी भाइयों के मिस्र के दाइयों के मिस्र के राजा ने आज्ञा दी जब तू इबरी स्त्रियों के बच्चा उत्पन्न होने के समय प्रसव के पत्थरों पर बैठी देखी न, बैठी देखो तब यदि बेटा हो तो उसे मार डालना और बेटी हो तो जीवित रखे रख देना yes, तो ब्रदर शालिम अभी उर्दू में पढ़ना है इसे एक बार उनके पाक कलाम में यू लिखा है और उन्होंने उनसे ईटे और गारा बनवा बनवा कर और खेतों में हर किस्म की खिदमत लेकर उनकी ज़िंदगियां तलख कर दी और उनकी सारी मेहनत और मुशक्कत में मिस्री उन पर तशद करते रहे और शायद मिसरे मिस्र ने इब्रानी दाइयों को जन के नाम सफरे है और नो फो, पवन थे कहा के जब तू अबरानी औरतों के बच्चे जन्ने में मदद करो और उन्हें वाज हमल की तपाई पर बैठी देखो तो अगर लड़का हो तो उसे मार डालना लेकिन अगर लड़की हो तो उसे जिंदा रहने देना भेस्कार, भेस्कार। अब ध्यान से सुनो इस किताब को कि इस किताब की एक बहुत इंपॉर्टेंट important... Uh, वारडा है खुदा का जो कि हम सीखने जा रहे हैं द प्रोम एज वेल एज द खुदावन हमारी मेंटल सिचुएशन में काम कैसे करता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ध्यान से सुनना मुकदस कलाम ऐसा कहता है खुदा कलाम में लिखा निर्गमन की किताब एक ऐसी किताब है, the, ऐसी किताब है है एक्सोडस इज वन ऑफ द ऐसी जब इसराइलियों ने अपने जीवन में दुख को बड़े नजदीकी से देखा परेशानियों को बड़े नजदीकी से देखा और कलाम ऐसा बताता है उस समय उनके लिए उनके लिए कोई भी कोई भी बात इतनी आसान नहीं थी बल्कि सभी बातें बहुत मुश्किलें थी इतनी मुश्किल थी कि वो कोई भी काम करना चाहते थे तो उन्हें बहुत सारी हायर अथॉरिटी से परमिशन लेना पड़ता था बल्कि कि उनको अपने बच्चों के बच्चों के लिए परवरिश के लिए भी क्योंकि बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए भी वो एक गुलामी में थे तो उनको हर एक काम को करने के लिए बहुत हायर अथॉरिटीज के पास जाना पड़ता था जो से सबसे बड़ी हायर अथॉरिटी थी फरोन

बताया हमें वक्त खुदा ने, खुदावन, ने हम खुदा खुदावन की कई हम थे और कानून थे और शराबियां थी, थी उसमें कोई लहू नहीं था और प्रभु का आत्मा नहीं था बाइबल ऐसा बताती जब लोग उस तकलीफ में थे देखा लोग तादार में बढ़ रहे थे इतनी गिनती उनकी बढ़ रही थी तो उन्होंने सोचा कि अब जिनकी जितनी इनकी गिनती बढ़ रही है कहीं ना ऐसा ना हो कि ये हमारी कहीं ना कहीं खिलाफत करनी शुरू कर दे भगावत करे जिससे जैसे कल को ये मिसर मुश्किल में पड़ जाए और बाइबल ऐसा बताती है खुदा के कलाम में लिखा फर्रॉन ने यह तय किया कि अब जितने भी जितने भी मेल बच्चे होंगे सभी मेल बच्चों को मार दिया जाए क्योंकि अब क्या है कि अब हमें इनकी जितनी ताकत इनकी स्ट्रेंथ जितनी बढ़ रही है पर हमें इसको स्टॉप करना है जरूरी है बल्कि ये याद रखना इस बात को फ्रौन इस चीज के लिए हमेशा तैयारी में रहता था कि कैसे ना कैसे के कोई ना कोई अगर उससे कहीं ना कहीं ऊंचा नजर आता था कोई तो उसे खत्म करता था और याद रखना बाइबल ऐसा बताती खुदा के कलाम में लिखा आज भी अबलीस इसी बात के लिए हमेशा हमेशा तैनात रहता है अलर्ट रहता है जैसे एक मसीह व्यक्ति की प्रार्थना बढ़ेगी जैसे मसीह व्यक्ति का वचन पढ़ने का टाइम बढ़ेगा जैसे मसीह व्यक्ति आत्मा में खुदावंत की मसा में आगे बढ़ेगा तो उसे तकलीफ होती है याद रखना और बाइबल ऐसा बताती खुदा के कलाम में लिखा और शैतान ने ऐसे मंसूबे बनाए हैं कि तुम्हारे तुम्हारे अंदर जो विश्वास पैदा हो रहा है वो खत्म हो सके और बाइबल का मुख्य वचन जो जो मैं आपको ये बेसिक बैकग्राउंड बता रहा हूँ इसके इसके इस, इससे मैं आपके साथ एक छोटी सी बात जो कि मैं आपके साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ रिगार्डिंग अबाउट दिस वेरी मैसेज अबाउट इन दिस एक्सोडस ध्यान सुनो बाइबल कहती है खुदा के कलाम में लिखा फ्रौन एक ऐसा इंसान था जो कि कभी भी कभी भी खुदा की मर्जी में नहीं चलना चाहता था याद रखना आपकी शुरु बाइबल की शुरुआत ऐसी हुई है खुदा के कलाम की शुरुआत ऐसे हुई है कि खुदावन ने जैसे दुनिया बनाई दुनिया बनाने के बाद उसने क्या देखा एक ही चीज नजर आई कि इंसान खुदा की मर्जी में चलना नहीं चाहता इंसान की मर्जी के साथ वो खुदा की मर्जी के साथ कनेक्ट नहीं हो पाता वो चाहता कि वो अपनी मर्जी से काम कर सके याद रखना इस बात को बाइबल ऐसा बताती कि इस समय में इस समय में जब खुदावन ने अपना लहू पवित्र आत्मा जब हमें दिया है तो याद रखना इस समय में खुदावन की ही मर्जी अब आज भी खुदावन की ही मर्जी पूरी होती है इंसान की नहीं होती है और खुदावन चाहता है कि जब जब इंसान अपनी मर्जी में बढ़ेगा तो खुदावन खुदावन उनकी जिंदगी में नजर नहीं आएगा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड नाउ अब सुनो बाइबल ऐसा बताती खुदा कलाम यहाँ पे दो औरतों के बारे में वर्णन किया गया बयान किया गया शिप्रा और पुआ बाइबल ऐसा बताती खुदा कलाम में लिखा शिप्रा और पुआ ये दो इब्रानी दाइयां थी जब जब भी कोई बच्चे पैदा होते थे तो ये पहली औरतें होती थी जब बच्चे का मुआयना किया जाता था देखा जाता था कि ये बच्चा लड़का है कि लड़की है मेल है कि फीमेल है और बाइबल ऐसा बताती खुदा के कलाम में लिखा इन दाइयों के पास पूरा अधिकार था कि वो उस बच्चे को क्योंकि उस फहरौन ने अधिकार दिया हुआ था इनको राइट दिया गया था कि जैसे ही जैसे कोई मेल बच्चा हो तो उसे मारना है बल्कि फीमेल को छोड़ना है और बाइबल ऐसा बताती खुदा के कलाम में लिखा कि ये दो दाइयां खुदा के खौफ में चल रही थी याद रखना किसके खौफ में खुदा के खौफ में अब ये याद रखना इस बात को परमेश्वर का खौफ और परमेश्वर का डर हमें कब पता लगता है कि खुदा का खौफ हमारी जिंदगी में याद रखना जब सताने वाला सामने होगा तब पता लगेगा हम खुदा में कितनी मजबूती से हैं जब सताने वाला मुश्किल देने वाला कलेष बीमारियां जब सामने होंगी तब हमें पता लगेगा हम परमेश्वर में कितनी मजबूती के साथ खड़े हैं और बाइबल ऐसा बताती है खुदा कलाम में लिखा शिप्रा और पुआ की जिंदगी एक ऐसी जिंदगी थी इनके अंदर खुदावन का खौफ था क्यों था और कैसे था दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ध्यान सुनो बाइबल ऐसा बताती है यीशु मसीह ने यीशु मसीह एक जगह प्रचार कर रहे थे और यीशु मसीह ने कहा जिससे इससे पहले जब अब्राहम था उससे पहले मैं था राइट बाइबल में ऐसा लिखा उसने कहा जिससे पहले अब्राहम था उससे पहले कौन था मैं था बल्कि यीशु मसीह को तो यह कहना चाहिए ना इससे पहले जब आदम था उससे पहले मैं था तो ये बात ज्यादा क्लियर होती राइट क्यों परमेश्वर ने अब्राहम का नाम लिया क्यों खुदावन ने अब्राहम का नाम लिया क्यों खुदावन ने हर बारे में अब्राहम के बारे में चर्चा करता गया बस एक खास बात थी अब्राहम की जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको पता है अब्राहम को खुदावन ने एक नाम दिया था विश्वास योग्य यू नो ट्रस्ट वर्दी जो विश्वास योग्य है हाल लुआया जो विश्वास करता है याद रखना बाइबल ऐसा बता, बताती है, खुदा के कलाम में लिखा धन्य वो इंसान जो परमेश्वर के विश्वास योग्य रूपी में खड़ा रहता है वो ही परमेश्वर की हर बातों को अपने जीवन में अध्ययन करता हुआ परमेश्वर के सम्मुख खड़ा रहेगा याद रखना जो परमेश्वर के विश्वास योग्य में खड़ा रहता है आपको बता है? परमेश्वर ने अब्राहम को विश्वास योग्य कहा कहने का मतलब आज बहुत सारे लोग जो हैं खुदा पर भरोसा करते हैं पर आज खुदा चाहता है कि वो किसी को कह

हम बहुत अच्छे हम बहुत अच्छे एक बाइबल के गुणी हो सकते हैं अध्ययन करने वाले हो सकते हैं उसे पढ़ने वाले हो सकते हैं अच्छी स्टडी रखने वाले हो सकते हैं पर क्या आज खुदावन हमारे विषय में यह बोलता है कि मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आज बहुत सारे लोग खुदा पर भरोसा करते हैं पर खुदावन का भरोसा भी आज इंसान पर होना बहुत लाजमी है बोलो हाल लो तभी खुदा के कलाम में लिखा खुदावन ने कहा मैंने तो तुम्हें अपना बनाया पर कोई मेरा मेरे साथ चलने के लिए तैयार है कि नहीं बोलो कौन मेरे साथ चल सकता है कौन मेरे नाम को ऊंचा करने के लिए मुश्किलों का सामना कर सकता है यू you नो know, आज की आज की आजकल सबसे ना मैं आपको फिर बोलूं कितने लोगों ने पीएचडी की है टेंशन लेने में पीएचडी की हुई लोगों ने नो दे पीएचडी उनकी डिग्रीज है उनके पास कि वो टेंशन में रह सके नो you know? अब किसी से पूछ के देखो उनके मुख पर हमेशा एक अल्फाज होगा कि बहुत मुश्किल में है बड़ी परेशानी में है अब याद रखना बहुत सारे बहुत कम लोग यही बोलते हैं इस मुश्किल में मेरा खुदा हमारे साथ है बोलो हाल ही याद रखना द प्रॉब्लम इज नॉट दिस कि हमारे पास कुछ नहीं है द प्रॉब इज दिस जो हम चाहते हैं वो नहीं है हमारे पास दैट इज अ प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये है कि आज खुदावर ने जो हमें दिया दैट इज नॉट दैट अ लाइमलाइट में नहीं है पर जो हम चाहते थे वो क्यों नहीं है तभी बाइबल में लिखा खुदा कलाम में लिखा शिप्रा और पुआ ये मुन्न औरतों में से थे ध्यान सुनो ये वो औरतें थी जो कि फरौन ने इन्हें सख्त हदायत दी थी अगर मेल बच्चा होगा तो उसे मारना है और जो फीमेल है उसे जिंदा रखना है बोलो हाल लोहिया और बाइबल ऐसा बताती है खुदा के कलाम में लिखा कि जैसे ही शिप्रा और पुआ को यह पता लगा कि अब मूसा ने मूसा ने जन्म लिया उन्होंने क्या कहा हम मेल बच्चे को नहीं मारेंगे बोलो हालिया हम मेल बच्चे को नहीं मारेंगे याद रखना ये लाजमी नहीं था ये जरूरी नहीं था कि मूसा पैदा हुआ तब उसने उन्होंने कहा उन्होंने तय किया हुआ था कि वो किसी भी मेल बच्चे को नहीं मारेंगे उन्होंने तय किया हुआ था वो किसी भी तरह से खुदाबंद के खिलाफ नहीं खड़े होंगे किसी भी तरह खुदा के विरुद्ध काम नहीं करेंगे बोलो हाले लोहिया अब याद रखो ना ही उनके पास पवित्र आत्मा था ना ही उनके उनके पास अभी खुदावन के लहू ने उन्हें आजाद किया था ना ही अभी तक उनके पास ऐसी कोई मदद थी ना ही कि उनके पास इतना बड़ा कोई नबी खड़ा था ना ही उनके पास कोई अच्छी बाइबल स्टडी थी ना ही उनका बैप्टिज्म हुआ था ना ही अभी तक उनके पास कुछ भी ऐसी चीजें थी जिससे वो अपने विश्वास को पकड़ सकते मजबूत रख सके बस एक चीज थी ईमानदारी बोलो हाले लोहिया एक चीज थी ईमानदारी मैं आपको फिर बोलता हूं आप बाइबल स्टडी कर लेना अच्छे विद्वान के साथ बैठ जाना अच्छे गुणी टीचर्स के साथ बैठ जाना आपको नॉलेज मिल सकता है ईमानदारी आपके ब्लड में है बोलो वो खून में पाई जाती है आप ईमानदारी के साथ ही आप दबाव कर पाते हो ईमानदारी के साथ ही प्रस्तुत होती है ईमानदारी के साथ ही आप अपनी मुश्किलों पर फातेमंद होते हो बल्कि अभी भी मुश्किलें ठीक नहीं होती फिर भी आप कहते हैं इस, 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 इस बंधन से आजाद हूं इस जुआ से आजाद हूं इस कठिनाई से आजाद हूं उसके पीछे एक ही कारण है क्योंकि खुदावन ईमानदारों पर अपना अनुग्रह अपना फजल लेकर आता है बोलो हालया और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और तभी खुदा के इकलाम में लिखा कि जब शिप्रा और पुआ ने यह बात सुनी तो उन्होंने कहा कि हम इसे नहीं मारेंगे आपको पता है ध्यान सुनो लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट द हिस्ट्री बाइबल ऐसा बताती है कि हरोन जो था हरून हरून तीन साल बड़ा था मूसा से मूसा से तीन साल बड़ा था क्योंकि उससे पहले उससे पहले भी बहुत कोशिश की गई होगी सोच सोच के देखो ये मूसा के टाइम से नहीं था तो उससे पहले था हरून तीन साल बड़ा था और उससे पहले भी फरोन ने बहुत सारे मेल बच्चों को मारने की कोशिश की पर उस वक्त भी ये दो दाइयां थी जो खुदा के खौफ में बनी रही बोलो हाल लोहिया ये बिना परवाह किए हुए खुदा के खौफ में चलती रही याद रखना खुदा का खौफ एक चीज आपकी जिंदगी में हमेशा लेकर आएगा आपको दुनिया में बेखौफ करेगा पर आज हमारे पास सब कुछ होने के बाद भी हम खौफ में है, तो एक स्पिरिट है और परमेश्वर की कलाम में लिखा खुदावन ने तुझे डर का नहीं बल्कि दलेरी का आत्मा दिया है और वो दलेरी जो खुदावन ने अपने आत्मा के साथ अपने फजल के साथ अपने अपने लहू के साथ हमें दी है बोलो खाले लोहिया रिमेंबर इस चीज के बारे में याद रखना खुदावन ने इसी बात के ऊपर हमेशा ध्यान दिया कि खुदावन ने कहा कि तुम्हारे पास जो कुछ है एक बार याद रखो तुमसे कभी लिया नहीं जाएगा मैं आपको फिर कहता हूँ याद रखना इस बात को आपके पास गाड़ी है बंगला है पैसा है धन है दौलत है सब कुछ सब कुछ लिया जाएगा आपके बच्चे भी लिए जाएंगे बल्कि वचन ऐसा कहता मुकाशवा के कलाम में लिखा तेरी सखी मां जिसने तुझे जन्म दिया वो तेरे खिलाफ खड़ी होगी और तेरी झूठी गवाही देगी और तेरा बाप तेरे 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 होने पर पछताएगा वो तेरे को तेरे दुख मातम बनाएगा बहुत सारे कलाम में ऐसी बात लिखी है पर एक चीज खुदावर के कलाम में लिखा जो इंसान से कभी ली नहीं जाएगी द फेलोशिप विद जीजस क्राइस्ट हालेलुया जो खुदावन के साथ जो फेलोशिप है वो कभी नहीं ली जाएगी आपको पता है जो फेलोशिप करने वाले लोग हैं वो बेखौफ खुदावन के साथ जुड़ते हैं से से वो खुदावन के साथ चलने वालों में से होते हैं बोलो हाले लोहिया क्योंकि तभी खुदावन के कलाम में लिखा तभी पर उत्पत्ति की किताब उसका सतारा उसकी एक ऐप में ऐसा लिखा है पैदाइश की एक में ऐसा लिखा खुदावन ने अब्राहम को ये बात बोली थी यू नो वॉक बिफोर मी एंड गेट ब्लेमलेस मेरे पीछे चलता जा और सिद्ध होता जा walk before me and get blameless और याद रखना अब्राहम को खुदावन ने इसलिए विश्वास योग्य कहा कि वो अपनी हर कमी घटी में अपने आप को सिद्ध करता था अपने आप को सीधे रास्ते पर लेकर चलता था अपने आप को हमेशा कहता कि खुदावन में हमेशा मैं समझ और अकल और बुद्धि के साथ नहीं केवल बल्कि खौफ खुदावन के खौफ के साथ चलूंगा बोलो हालेलुया हर बात ये समझ लेना खुदावन हमारी जिंदगी में ईमानदारी बहुत अच्छे तरीके से चल जाता है बोलो हाले लोहिया से आपको पता है कई बार हमें हाँ घरों में ना बार बार चीखना पड़ता है ना हमें लोगों को कहना पड़ता है चर्च चलो प्रार्थना करो दुआ करो बाइबल पढ़ो कितनी बार कहना पड़ता है कितनी बार हम इरिटेट हो जाते हैं हाँ बोलो हाले लोहिया कितनी बार हम इरिटेट हो जाते हैं आप चर्च ही नहीं जाते हो है ना और कई बार तो हमारा नेचर होता है ना चर्च बुलाने के लिए हम जो हम एक हमारे टॉन्ट वॉर की जब बात करते हैं ना चर्च जाना ही पड़ेगा तो अंदर से ऐसा नहीं लगता कि पवित्र आत्मा बोल रहा है किसी ने मेरे को कहा दुआ करना मैंने कहा मैं कर रहा हूं किसी ने गुस्से में, में वा मुझे बोला पादू साहब कर दे नहीं हो तुम दुआ मैं क्या मैं करदा दा मैं क्या तू थोड़ा ध्यान ठंड रखा मैं कर पे दुआ यू नो कई बार हम क्या होते हैं इम्पेशन कितने होते हैं बोलो हाल लोया से है कई बार हम कहते हैं ना कि गैर जुबान गैर जुबान गैर जुबान गैर जुबान गैर जुबान गैर जुबान लोगों को डिफरेंट टंग्स के बारे में पता है पर अपनी मदर टंग के बारे में नहीं पता यू you नो know? अपनी मदर टंग की ठीक भी नहीं है डिफरेंट टंग्स में अच्छी तरह बोलते हैं वो लोग और दैट इज खुदावन इन्हीं चीजों के बारे में आज फिर मैं कहता हूं कुछ भी हो जाए खुदा का आत्मा हमसे बातचीत करता है खुदा की कलाम हमारे साथ जुड़ा हुआ है पर फिर भी खुदावन में हम ईमानदार नहीं है याद रखना ईमानदारी हमारी जुबान पर है याद रखना और जुबान परमेश्वर खुदा कला में लिखा तेरे मुख से निकला हुआ हर एक शब्द तुझे आशीषित करता तुझे ब्लेस करता है अंदर गया हुआ तुझे आ, वो तुझे कभी भ्रष्ट नहीं करेगा तुझे अपवित्र नहीं करेगा अनहोली नहीं करेगा जो तुझे मुख से बाहर निकलता है वही तुझे अनहोली करता है बोलो खालि लोहिया हर बात जो आपके मुंह में है याद रखना उसके ऊपर याद रखें कि खुदावंत क्या तू इसके साथ खड़ा होगा अल्फाज के साथ जो मैं बोलने जा रहा हूँ क्या तू इसकी इस इस अल्फाज को जो मैं बोलूंगा क्या तू मेरी मदद करेगा कि इसमें जो मैं बोलूँ तो मेरे साथ है बोलो खालि लोहिया आपको पता है जितने लोग जितने लोग इस चीज पे बहुत मेहनत करते हैं ना बहुत मेहनत करते हैं कि लोगों को कह कह, कह के चर्च नहीं आते चर्च नहीं आते आपको एक बार याद होगा आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है आपको बस एक चीज करने की जरूरत है आप कितने लोगों को यह वचन पता है खुदा कला में लिखा यीशु मसीह एक समय एक एक टाइम था एक टाइम था खुदावन एक हैकल में प्रचार कर रहे थे बाइबल ऐसा बताती है कि खुदावन के यीशु मसीह एक हैकल में बैठ के वो प्रचार कर रहे थे तो वहां पर फरीसियों ने कहा दो सैनिक भेजे दो सोल्जर्स भेजे और कहा जाओके जाओ पकड़ के लेकर आओ उसे और बाइबल ऐसा बताती है खुदा के कलाम में ऐसा लिखा कि जीजस प्रीचिंग बताता है जीजस प्रीचिंग उस आत्मा में प्रचार कर खुदावन क्या कह रहा था वहां पर प्रचार कर रहे थे यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए मैं उसे जीवन का जल दूंगा जीवन का जीवन के पानी दूंगा जिससे वो पिएगा वो कभी प्यासा नहीं रहेगा

और बाइबल में ऐसा लिखा खुदा कलाम में लिखा जैसे वो जैसे वो सोल्जर्स वहां पर पहुंचे और यीशु मसीह को पकड़ने के लिए वहां पर पहुंचे बाइबल ऐसा बताती है कि वो खाली हाथ वापस आए कैसे आए खाली हाथ फकी फरीसियों ने एक बात पूछी पकड़ के नहीं लेकर आए यू नो पता क्या कहते बाइबल क्या कहती है खुदा कलाम में लिखा वो क्या कहने लगे कहते ऐसा कोई भी बात नहीं करता जैसा यीशु बात कर रहा था बोलो खाले सोच के देखो the anointing was flowing. Amen? आप, आपको बता, अगर यदि मैं मिनिस्ट्री में, में करता हूं जब मैं मिनिस्ट्री में होता ना कोई कोई लोग नहीं बदल रहे होते तो उनके ऊपर उंगली उठाने से पहले खुदा ने मुझे कहा तू तो अपने आप को जांच याद रखना कई बार क्या होता है कि हमारा जो पोर्शन है ना नॉइंटिंग का वो इतना भरपूरी का नहीं है कि वो हमारे बोलने से वो व्यक्ति पश्चाताप कर सके याद रखना जब तक हम खुदावन में पूरी तरह उसके मसा में डूबेंगे नहीं उसके लहू में भीजेंगे भीगेंगे नहीं ना तो याद रखना कोई भी बातें कोई भी बातें जितनी बात आप अपने जीवन में अपनी जिंदगी में सोच रहे हो कि ये व्यक्ति क्यों नहीं बदला जा रहा ये इंसान क्यों नहीं बदला जा रहा द मोमेंट यू आर फिल्ड विद द होली स्पिरड आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी बल्कि आपके नाम बोलने से भी लोग आपके कैरेक्टर को देख के वो खुदा के नाम की जलाल देने शुरू करेंगे दे विल स्टार्ट गिविंग ग्लोरी टू द लॉर्ड बोलो हाले आप याद रखना बाइबल में ऐसा लिखा कि यीशु मसीह के नाम कलाम कलाम में ऐसा लिखा यीशु मसीह के दाएं हाँ दाएं और बाएं दो चोर थे बाइबल में लिखा यीशु मसीह ने कोई प्रचार नहीं किया पर फिर भी वो कहने लग, लगा उसने कहा उसने एक बात को बड़ी बड़ी बरीकी से उसने बात की उसने कहा मैं जानता हूं तो जो तो जीवित परमेश्वर का इकलौता पुत्र मैं मानता हूं कि तेरह से ही मोक्ष है तेर से ही आजादी है तू ही लोगों को निर्माण बख्शता है तू ही लोगों को आजाद करता है यीशु मसीह ने क्रूस पे कोई प्रचार नहीं किया पर फिर भी डाकू समझ गया बिकॉज द अनॉइंटिंग वाज फ्लोइंग बोलो हालेलुया मैं आपको फिर बोलूं जितनी सिचुएशन आपके सामने जितनी भी कठिनाई कितनी मुश्किल लग रही है जितनी हार्ड लग रही है ना यू रियली नीड टू डू वन थिंग ओनली जस्ट मेक अ रिलेशनशिप विद द होली स्पिरिट दैट्स ऑल हालेलुया अपने खुदा के उसकी आत्मा के साथ कायम रखो बोलो खाली लोहिया कितना तो लोग जानना चाहते हैं कि खुदा की आत्मा के साथ कैसे जुड़ा जा, जुड़ा जाता है बोलो हाली लोहा सभी जोर से बोलो एम जितने लोगों का कैमरा बंद है स्माइल तो कर रहे हो ना सभी खुश तो हो ना सभी जोर बोलो हाली लोहिया क्योंकि मुझे पता है ये तकरीबन छह सात महीने के बाद हम बाइबल स्टडी कर रहे हैं ठीक है तो इट मीन थोड़ी देर बाद बाइबल स्टडी हो रही है तो अभी थोड़ी कनेक्टिविटी बनेगी बोलो हाली लोहिया बोलो ईश्मसी के नाम की जय बोलो हाल चले अपने अपने पास वाले को बोलो सोना नहीं है दस दस मिनट है अब दस मिनट में विल गिव ग्लोरी टू द लॉर्ड बोलो हाले लोहिया प्रोइगार वंडरफुल वंडरफुल अब वो बताए कि पवित्र आत्मा के साथ समझौता और रिश्ता हम कैसे कर सकते हैं सिर्फ एक रीजन से एक ही कारण है याद रखना इस बात को सदैव अपने मन में रखना लोगों से कम खुदा से ज्यादा बात करो बोलो हाले यू विल हैव अ ग्रेट कनेक्शन विद द लॉर्ड से पवित्र आत्मा की भरपूरी सिर्फ इसी वजह से मिल सकती है और कोई दूसरा कारण नहीं है और कोई दूसरा रीजन नहीं है बोलो आपको पता है आधा से ज्यादा टाइम तो हम लोगों में में बातें करने बिता देते हैं से ज्यादा टाइम हम लोगों की टेंशन सुनने में बिता देते हैं आधा से ज्यादा टाइम तो हम अपनी फिक्र में बता देते हैं हमारे पास परमेश्वर को देने के लिए टाइम पता मात्रा टाइम कितना होता है रिमेंबर दिस वी जस्ट है लॉर्ड बोलो हाले सिर्फ बीस परसेंट होता है हमें खुदा को देने के लिए और बाइबल ऐसा बताती है खुदा कला में लिखा जितना तूने सोचा आज तक वैसा नहीं हुआ कितने लोगों ने टेंशन ली और टेंशन लेने के बाद काम ठीक हो गए बोलो हाले लुया हाँ कितने लोगों ने स्ट्रेस लिया स्ट्रेस लेने के बाद उनको लगा स्ट्रेस लेने से सब कुछ हो गया कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ हाँ जोड़ती बोलो कितने लोगों ने ऐसा किया है, चले खुदावन पे छोड़ देते सो जाते खुदावन मुहैया करेगा उन लोगों ने अपने दरवाजे खुले हुए देखे बोलो खाली भैया क्यों कारण क्या है आपको पता दिस ओनली वन रीजन आज खुदावन आपकी बाइबल स्टडी को नहीं देख रहा कि आपके पास कितनी बाइबल स्टडी अच्छी है आपके पास कौन सी मेंबरशिप है किसी चर्च की गॉड इज ओनली लुकिंग दैट आर यू ऑनेस्ट विद द लॉर्ड हालेलुया कि क्या आप ऑनेस्ट हो खुदा के साथ ईमानदार हो खुदा के साथ खुदावर ने कहा मत डर अपने सारा फिक्र अपनी सारी चिंता अपने खुदा पे डाल तो अपने याद रखना मारने वाला तेरे सामने खड़ा होगा तुझे तंग करने वाला तेरे सामने खड़ा होगा पर याद रखना मुर्दों में से जिंदा करने वाला तेरे अंदर है

मैं आपको पता इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट मैं इसलिए आपको बार बार इसी चीज के हूं बारे में बताता हूँ क्योंकि मुझे बोलता है, है ना? कि तो किसी ने भी बोला, जी, आपकी प्रीचिंग बदल चुकी है ना आप स्ट्रिक्ट हो चुके हो आप उनको थोड़ा सा गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस के बारे में भी तो प्रीच किया करो यू नो कभी थोड़ा इनको भी बोलो कि सब कुछ आ जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा बोलो हाले लोहिया मैं नहीं मैं चाहता हूँ आपको पता है खुदावन भी चाहता है आपके पास सब कुछ हो पर एक बार इससे इंपॉर्टेंट बात पता क्या है पर आपकी लाइफ में सलवेशन पहले आए बोलो हाले लोहिया अगर आपकी जिंदगी में सलवेशन नहीं है ना आपको पता है सलवेशन इस चीज के लिए नहीं है कि सिर्फ आपको यीशु मसीह मिल गया सलवेशन आपको अपनी सोच से भी सलवेशन चाहिए आज आपको अपने नेगेटिव से से भी सलवेशन चाहिए। आज भी आपको अपने अकेलेपन के डर से भी सलवेशन चाहिए आज भी आपको अपनी हर एक अपनी ख्वाहिशों के ऊपर हमें काबू नहीं होता ना कितने लोग हैं आज भी कितने लोग जब वो शॉपिंग कर लेते हैं ना उनको बड़ा अच्छा लगता है यू नो दे वेरी काम डाउन हो जाते हैं आज भी मैं कहीं लोगों के घरों में जाता हूँ ना चीजें धक्के खारी होती हैं कबड़ के पीछे किचन के ऊपर बक्से भी बक्से हैं इधर है इधर है, है कितनी चीजें पड़ी होती हैं किसी से पूछो कि कितना इतना सामान लेकर आए हो कहते कि हम गए थे हमें अच्छा लगा तो ले आए सालों साल यूज ही नहीं हुआ यू you नो know? कितना चीजें यूज कर चुके हैं अभी तक कुछ भी नहीं हो पा रहा यू नो दिस इज ये चीजें जो सी है नरी है दीज आर टेम्पररी सोल्यूशन बो बोलो लेट्स गेट हाली परमानेंट लेट्स्यूशन बोलो हाली लोहिया आपको खुदा के कलाम में क्या लिखा परमेश्वर के वचन में लिखा हे जरूसलम हे जरूसलम तू तू खंडर इसलिए बना है तू इसलिए खंडर बना क्योंकि नबियों ने तेरा पाप तुझ पर उजागर नहीं किया तेरे सामने लेकर नहीं आया आपको बताया जरूसलम खंडर इसलिए बना क्योंकि नबियों ने उसका पाप नहीं बताया नबियों ने उसकी कमजोरियां नहीं बताई कोई भी राजा ये नहीं चाहता कितने लोगों ने पढ़ा इसके विलाप गीत में भी पढ़ा लेमेंटेशन द बुक ऑफ लेमेंटेशन में भी इस बात में लिखा गया है इट से बुक ऑफ लेमेंटेशन अगर आप पढ़ो उसकी बुक ऑफ लेमिटेशन चलेगा लंबा हो जाएगा अब पढ़ना द बुक ऑफ लेमिटेशन उसका चैप्टर सेकेंड पढ़ना द बाइबल में लिखा कोई राजा ये नहीं चाहता उसका, उसका महल खंडर बने पर खुदा के कलाम में लिखा जरूसलम खंडर इसलिए बना क्योंकि नबियों ने उसका पाप उनके ऊपर उजागर नहीं किया बोलो हाले से तो इट्स वेरी जब हमें, जब हमें खुदावन हमें भी बताता है ना हमारी कमजोरियां हमारी कमियां क्या है हमारे अंदर प्रॉब्लम्स क्या है अपने कलाम के जरिए याद रखना हम एक चीज से आजाद हो रहे हैं बोलो हाले इट्स ऑलवेज रिमेम्बर कि खुदावन हमारी कमियों को बताए और हम आजादी हासिल करें और खुदा का आत्मा जुम्बिश करे हाली लोया हमारे गीतों में भी खुदावन की खुशी होगी हमारे हमारे कलाम सुनने में भी, भी खुदावन के नाम से वो खुशी जाहिर होगी और याद रखना आज भी कितने सारे लोग जो बातें अपने अंदर रख के बैठे हैं ना वो सारी चीजें क्लीन होती जाएंगी ईश्वर के नाम में बोलो हाली लोया एम अब ध्यान सुनो ठीक है वी हैव जस्ट हमारे पास पंद्रह मिनट है उसके बाद पांच मिनट लास्ट में हम प्रार्थना करेंगे ठीक है लेट मी कंक्लूड दिस लेकिन ध्यान सुनो बाइबल कहती है निर्गमन की किताब में शिप्रा और पुआ ने शिप्रा और पुआ ने एक बात को तय कर लिया उन्होंने कहा कहा अब हम मेल बच्चों को नहीं मारेंगे याद रखना बाइबल पढ़ लेना ध्यान से पढ़ना इस वचन को उन्हें ये पता था कि अब राजा की खिलाफत हुई है राजे की शान की खिलाफत की गई है अब फरौन हमें छोड़ेगा नहीं वो हमें मार देगा कितने लोगों को यह पता है खुदावन ने शिप्रा और पुआ को मरने नहीं दिया बोलो हाले कितने तो लोगों को यह बारे में पता है खुदावन ने खुदावन ने उनकी मौत को भी अपने हाथ में रखा है बोलो हाले याद रखना हर बात पर हर बात पर यह बात की घोषणा जरूर किया करो इसे अनाउंस जरूर किया करो कि खुदावन उन लोगों के साथ है जो आज भी ईमानदारी के साथ अपनी जिंदगी को बिताते हैं

जब तुम इबरी स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न होने के समय पंद्रह से पढ़ना पंद्रह और सोलह पढ़ना सॉरी पंद्रह और पुआ नामक दो इब्री को मिस्र के राजा ने आज्ञा दी हाँ, बस मिनट जब... शिप्रा और पुआ नामक दो इब्रानी दाइयों को मिस्र के राजा ने क्या दी आज्ञा दी क्या दी उसे आज्ञा दी बोलो खाले लोहिया क्या दी उन्हें उन्हें क्या क्या ऑर्डर मिला है सिर्फ समी से जोर से बोलो खाले लोहिया अब याद रखना झूठ जौन सा था ना बाइबल में खुदा के कलाम में लिखा था परमेश्वर झूठ का सामना करता है झूठ बोलने वालों का सामना करता है अब ये कैसा झूठ था जो कि इन्होंने झूठ बोला और खुदावन ने इनका साथ दिया ये कौन सा झूठ था जो इन्होंने बोला जिससे खुदावन ने इनकी जिंदगी को बचा लिया ये कैसा झूठ है जो कि खुदावन इनकी इस झूठ से इनको ऊंचा करने जा रहा है इनकी इनका एग्जाम्पल बाइबल में दिया गया है बोलो आपको पता है न्यू में एक खुदा के लोगों ने झूठ बोला में लिखा है, ने पत्रस के पास जब वो आए थे उन्होंने नन्निया सफीरा ने एक जमीन का टुकड़ा बेचा था और जब उन्होंने कहा था कि ये वाले टुकड़े का पूरी आमदनी जितनी जितना पैसा था पूरा उन्होंने पत्रस के सामने नहीं रखा था तब उन्होंने ये कहा था कि आधा धन उन्होंने छुपा लिया और बाइबल कहती है जैसे उन्होंने झूठ बोला उससे राइट अवे वो मरे बोलो हाले ही राइट अवे क्यों ही परमेश्वर ने इन्हें बचाया गया याद रखो इस बात को हर बात को याद रखना जो बातें दुनिया को लगती हैं कि वो झूठी हैं पर जो खुदावन के वचन और कलाम के अनुसार वो सच्ची हैं दुनिया उन्हें झूठा ठहरा नहीं सकता हाल लोहिया आपको पता है सबसे बड़ा झूठ क्या है दुनिया में कि कोई भी इंसान इस दुनिया में पवित्रताई के साथ जी नहीं सकता कोई भी इंसान इस दुनिया में पाकिजगी के साथ जी नहीं सकता कोई भी इंसान इस दुनिया में उस उसकी उसके खौफ के साथ जी नहीं सकता सभी ये लोग कहते हैं बल्कि खुदा का मुकदस कलाम भी ये कहता है खुदावर ने आसमान से नीचे देखा उन देखा कोई भी इंसान धर्मी नहीं है कोई भी इंसान रासबाज नहीं है पर खुदा का कलाम और एक बात बोलता है उसका खून उसके खून बहाने से उसके लहू बहाने से हम धर्मी गए। बोलो उसके खून बहाने से हमें खुदावन ने अपना अपना धर्म, अपना धर्म, राज्य, अपनी आज हमें दिया याद रखना कोई खो भी नहीं सकता इसे कोई छीन भी नहीं सकता बोलो हाले लुहिया आपको आपकी खुशी खुशी नहीं छीनता बल्कि हम सरेंडर होते हैं उसके सामने याद रखना ये याद रखना ये पहला एक सच्चाई है जो कि आज भी इंसान को समझना बहुत लाजमी है जरूरी है कि इंसान से अबलीस खुशी कभी छीन नहीं सकता क्योंकि खुदावा ने अधिकार नहीं दिया है उसे हक नहीं दिया है उसे पर आज हमारी ये आदत है कि हम अपने आप को सरेंडर करते हैं उसके सामने अपने को सरेंडर करते हैं ये कह के? के खुदा कमजोर है मैं और तू बलवंत है बोलो हाले आपको पता हमेशा हमारी प्रार्थना ऐसे ही होती हमारी प्रार्थना ऐसी होती मुश्किल समय जब आता है ना तो सब कुछ बिगड़ जाता है तभी वचन में खुदा कलामे क्या लिखा पहला पत्र उसकी एक उसके अठारह में ऐसा लिखा जल्दी से पढ़ दो जल्दी किसी के पास है तो बाइबल जो क्विक है जल्दी से फर्स्ट पीटर वर्स 118 जल्दी से ओरा मना सी थो रही खाना रहा लगा पहला पत्रस उसका एक उसकी अठारह है जिसके पास भी मिल जाता है पढ़ पढ़ दें जल्दी क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है उसे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ बोलो हाल कहते कितने लोगों को यह पता है कि खुदावन के कला में लिखा है कि तुम्हारे बाप दादों का गंदा स्वभाव जो तुम्हारे अंदर है आपको याद रखना कोई भी बात आपकी जीवन में जितनी बार परमेश्वर ने आपको वचन के साथ अगर ऊंचा करने की कोशिश की है तो उसने एक बात से हमेशा आपको बताया खुदा जताया कि तेरा नेचर तेरा स्वभाव तेरे तेरे बाप दादों की तरह नहीं होना चाहिए जो वो नहीं कर पाए अब तुझे करना है बोलो हाल लोहिया जो वो नहीं कर पाए वो तुझे करना है तभी खुदा के लाम लिखा अब मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करो बोलो हाले मुझसे भी बड़े बड़े काम करो उससे इस एक ही कारण है एक ही रीजन है जो खुदा बता सकते। खुदा बता रहा है खुदा कला में लिखा यदि कोई अपनी जीवन में उधार चाहता है सलवेशन चाहता है तो वो धीरज रखे क्या रखे सबर बोलो हाल लोहिया सबर बोलो सभी बोलो सबर बोलो आमीन हाले किनके किनके अभी भी काम रुके हुए हैं कितने लोग आज भी सबर रखकर बैठे हैं बोलो हाले कितने लोगों के पास जो कुछ है सबर है बोलो एमैन याद रखना आपके साथ कोई अच्छा नहीं चल रहा है सबर रखना खुदावन उसके दिल बदलने वाला है बोलो हालो लोहिया उनके दिलों को खुदा बदलेगा हालातों को नहीं बदलता खुदावन इंसान को बदलता है बोलो हालो लोहिया इंसान जब बदलता है ना हालात अपने आप अप बदलते हैं बोलो आमीन ऐमैन अब याद रखो इस बात को लेट मी कंक्लूड एंड विल फिनिश एनविलिश अपना बाइबल ऐसा बताती शिप्रा और पुआ को क्या मिली आज्ञा मिली क्या मिली आज्ञा मिली आज्ञा का मतलब ऑर्डर मिला आपको अब नए अदनामे में जब आप पढ़ते हो खुदा का न्यू टेस्टमेंट ऐसा बताता खुदा के कलाम में लिखा कितने लोगों को यह पता है कि परमेश्वर ने एक चेला था जिसे खुदावन ने एक आज्ञा दी उसने क्या कहा तू सब कुछ छोड़ मेरे पीछे हो ले कौन था वो पहला चेला हाँ वेरी गुड कौन था पतरस बोलो हाल कौन था वो पतरस और वचन में ऐसा लिखा खुदा के कलाम में लिखा खुदावन ने जब बोला कि तू सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे हो ले और बाइबल में ऐसा लिखा खुदा के कलाम में लिखा जैसे वो खुदावन के पीछे चलना शुरू हुआ खुदावन के साथ चलना शुरू हुआ खुदावन की हिकमत उसकी समझ उसके कलाम के अनुसार उसके उसके वचन के अनुसार वो चलना शुरू हुआ खुदावन ने उसे एक आज्ञा दी थी उसको आज्ञा क्या मिली खुदा के कलाम में लिखा मैं फिर कहता हूं दोबारा उसी जगह पर जाकर जाल डाल बोलो हाले दोबारा उसी जगह पर जाके क्या कर जाल डाल मेरे को ये बताओ जब यीशु मसीह ने उसे बोला मेरिकल हुआ कि आज्ञा मिली पहले पहले मेरिकल हुआ कि आज्ञा मिली ऑर्डर मिला के मेरेकल मिला हाँ संभड़ी से हाली ऑर्डर मिला है जोर से बोलो ऑर्डर हाँ बोलो ऑर्डर याद रखो लोगों को ऑर्डर सुनना नहीं अच्छा लगता मेरिकल अच्छे लगते हैं उनको लगता है कि मेरिकल आ जाए ऑर्डर बाद सुन लांगे ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਹਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈਬਲ ਸਟਡੀ ਹੈ ਆਜੋ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਚੀ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋ ਤੋ ਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਿਰਕਲੀ ਮਿਰਕਲ ਚਲਦੇ ਆ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਯੂ نو बोलो लिया। कहां पे लिखा है बाइबल में कि यीशु मसीह ने मसीने खुदावन ने ये पत्रस को बोला जाके जाल डाल पहले ऑर्डर मिला और ऑर्डर के साथ उसे मेहनत करनी पड़ी करनी पड़ी कि नहीं जैसे उसको मेहनत करनी पड़ी बाइबल ऐसा बताती है खुदा कलाम में लिखा तब जाकर उसकी उसकी लाइफ में मेरिकल आए आपको पता है आपने कई मछलियां देखी उड़ने वाली मछलियां भी होती हैं आपको पता है कुछ ऐसी मछलियां होती हैं जो उड़ती हैं उनके पास एक इतना डायमीटर होता है डायमीटर में उड़कर वो आगे जा सकती हैं अगर यीशु मसीह चाहता तो यू नो अगर उसका फेत बढ़ाना होता पत्रस का तो यीशु मसीह उसको ये बोल सकता था कि मछलियों को कह सकता उड़कर उसकी उसकी किश्ती में अपने आप जाओ उसका फेत अपने आप बढ़ जाता यू नो उसका फेत अपने आप इंक्रीज हो जाता मछलियां उड़कर उसके उसकी बोट में आई हैं मछलियां उड़कर उसके जाल में आई हैं मछलियां उड़कर उसके पास आ रही हैं कितना फेथ इंक्रीज होता देखने वालों का कितना फेथ इंक्रीज होता पर गॉड इज नॉट अ गॉड जैसे वो इंसान सोचता है वैसे वो काम करे बोलो हाल लोया कितने तो लोग इस चीज पे विश्वास करते हैं कि खुदाबंद वो खुदा है जैसा मैं सोचता हूँ वैसा कभी नहीं होगा बोलो हाले लोहिया अपनी दुआ में कहा करो मुझे पता है पिता जैसा मैं सोचता पे उदा होना कदम भी नहीं है, पता है मैं मैं रेडी हूं तेरे हर एक काम पूरा करने हाले लोहिया मैं रेडी हूं खुदा तू नो भी कहेगा नो में भी मैं रेडी हूं तू यस कहेगा यस में भी रेडी हूं बोलो हाले लोहिया संभड़ी से ये खुदा ने बदला नहीं था नियम ये नियम बना रहा और एक और नियम मैं बता देता हूं आपको जो ओल्ड टेस्टमेंट में था

कमांड मिला क्या मिला जा जर्दी में सात बार डुबकी लगा बोलो हाले लुइया से कोई भी मेरेकल होने से पहले आपकी लाइफ में ऑर्डर और कमांड हमेशा आएगा याद रखना और याद रखना ये ऑर्डर और कमांड बहुत तोड़ता है बोलो हाले मैं आज भी आपको प्रार्थना करने बस खत्म करने और मैं खत्म कर रहा हूं मेरे पास दो मिनट है बस मैं उसके बाद प्रेयर करेंगे आज मैं इस मैसेज को खत्म करने से मैं आपको एक कमांड देने जा रहा हूँ एक ऑर्डर देने जा रहा हूँ बहुत तकलीफ वाला होगा और मुझे पता है खुदा ने पहले ये तकलीफ मुझे दी है बोलो हाल लोइए कितने लोग मानते हैं इस चीज के लिए उन लोगों के लिए मेरे कल हो नहीं सकते जो सोए सोए और लेटे लेटे बाइबल पढ़ते हैं यू नो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना उन लोगों के लिए कभी भी मेरे नहीं होंगे जो आज भी अपनी सुस्ती के साथ अपनी सुस्ती के अधीन हैं उसके साथ सरेंडर होकर बैठे हुए हैं कब भी मेरे कल नहीं होंगे उनके बोलो हाले लोहिया मैं फिर कहता हूं बहुत लोगों ने आज का इस इस दुनिया में बहुत लोग प्रीच कर रहे हैं चीज के बारे प्रचार कर रहे हैं ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा मैं कहता हूं कुछ भी नहीं होगा जब तक आप उस ऑर्डर को मानने के लिए तैयार नहीं बोलो हाले लोहिया बात सुनो बाइबल कहती है शिप्रा और पुआ ने ऑर्डर को ले लिया आपको पता ऑर्डर क्या था मारो नहीं तो मरो मारो नहीं तो मरो मारोगे तो मरोगे नहीं मारोगे तो मरोगे मारोगे तो नहीं मरोगे याद रखना उन्होंने कहा उन्होंने अपने अपने खुदा से वायदा किया कि हम नहीं मारेंगे बोलो हाल बोलो क्या हम नहीं मारेंगे बोलो जोर से बोलो हाले अब आप अप, अपने आप से बात वायदा करना है खुदावन मैं अपने विश्वास को मरने नहीं दूंगा बोलो हाले लोहिया ये वायदा करो अपनी दुआ में अपनी पर्सनल स्पिरिचुअल लाइफ में जैसे शिप्रा और पुवा ने इस निर्गमन की किताब इस अबहार की किताब में खुद खरूज खु, खु, की किताब में खुदावन ने इस बात का क्लियरिटी के साथ बयान किया खुदावन ने कहा शुरुआत उन लोगों से की याद रखना वो लोग जिनके पास अभी भी खुदा का कोई भी मुकाशवा कोई प्रकाशन भी रेवोल्यूशन नहीं है उन्होंने फेत रखा आज तो खुदा का आत्मा हमारे साथ है हम क्यों मायूस है आज क्यूँ मायूस है आज वाई वी आर सैड वाई वी आर ब्रोकन बोलो हाल लिया बोला करो मेरी तो दुआ ऐसी हारा नहीं हूँ बोलो हाल लिया इट्स नॉट एंडिल दीक है इट्स नॉट ओवर येट ठीक है ये हमारा लास्ट ईयर का रिट्रीट का टॉपिक था राइट एक बड़ा बड़ा खास टॉपिक आ रहा है इस साल भी इट्स नॉट ओवर Until the God say it's over, आपको फिर बोलता हूँ मैं फिर बोलता हूँ ये वचन हमने बहुत बार पढ़ा होगा पर कुछ बातें खुलवा खुदा वन दोबारा हमारी जिंदगी में दाखिल करना चाहता है कि आज हम उस ऑर्डर को ले ठीक है उस विश्वास के साथ उस दिलेरी के साथ हाल लोहिया जब आप सुन रहे हो ना कलाम को अभी आपको लग रहा है ना कुछ ठीक नहीं है कुछ ठीक नहीं है फिर भी आप सुन रहे हो ये पता है पेशेंस पैदा कर रहा है कितने तो लोगों ने ये कलाम सुना है खुदा के कलाम में लिखा है खुदा के वचन में लिखा है वो ही इंसान बचाया जाएगा जो अंत तक एंड तक धीरज धरेगा जो अंत तक पेशेंस सबर में चलेगा वो ही बचाया जाएगा बोलो हाल लोहिया वो ही बचाया जाएगा संबड़ी से हाल ठीक है आज तो बाद घर वाली हजबेंड वाइफ कोई भी हो कुछ बोलने की किसी को जरूरत नहीं है रिमेंबर दिस इस बात का ध्यान रखना कि कोई भी बात आपको किसी भी तरीके से किसी के साथ भी कोई भी बहस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि खुदावन आपके साथ है ठीक है तो याद रखना जो खुदा हमारे साथ है तो कोई भी बात आपकी जिंदगी में हमेशा इस बात के लिए हमेशा तय करना कि जो परमेश्वर ने तय किया वो बेटर है कॉल mm. mm. कर uh, रहे हैं प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए सो आई जस्ट वॉन्ट टू अगर आप लाइव हैं फेसबुक पे प्लीज आप कॉल uh, फोन पे मत करना व्हाट्सएप पे मत करना अगर आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट है आप अपनी, please, अपनी मुझे फेसबुक पर या फिर आप अपनी आ, हाँ मुझे मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं बट डोंट कॉल जस्ट वन सेकंड वन सेकंड वन सेकंड एक मिनट हालेलुया प्रेज़ गॉड हालेलुया

लेट्स कीप लेट्स प्रे तो जल्दी से अपनी आंखें बंद रखें सभी खुदा मनीष मसीह के बाप बरकत नाम से हम सभी दुआ करेंगे हालेलुया लोहिया ओ रामना सीन दो राबा और री खानदार अल्लाबा हाल को दुआ करो सभी दुआ करो को खुदावन से खुदावंत खुदावन तेरा जलाल खुदावन तेरा तेरे तेरी महिमा मेरी जिंदगियों से है और मुझे मेरा पूरा भरोसा है खुदावन जब तू मेरे साथ बात कर रहा है खुदावन कोई खौफ कोई कोई अंधकार की ताकत का कोई वजूद नहीं है कि वो खुदावन इस विश्वास को तोड़ सके इस बीमारी को खुदावन जो खुदावन जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ जो इस मुश्किल को जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ इस प्रमुश इस बिपता को जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ खुदावन मेरा खुदावन हालातों को बदल से पहले इंसान को बदलता है खुदावन तुम बदल दे खुदावन मैं देखते हुए भी विश्वास में बना रहूं देखते हुए भी खुदावन मैं ईमान में मजबूत रहूं

रास्ता खुदावन जितने लोग तेरे बच्चे तेरी हजूरी में है अपने हाथों को उठाओ और कहो खुदावन से खुदावन इसी समय बेशक खुदावन मैं बहुत सारी चीजों को डिफीट होते देख रहा हूं, खुदावन पर मेरा विश्वास है जब मेरे हाथ खड़े हैं खुदावन तू वो जंग खुदावन अपने हाथों में लेगा मेरा पूरा विश्वास है वो जंग जब तू अपने हाथों में लेगा खुदावन तो बहताई के साथ मुझे ऊंचा करेगा तेरी खास बरकत हमारी जिंदगी में काम करेगी खाले तूने हमें बचा लिया तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदा खुदावन तेरी इच्छा हमारी जिंदगी में पूरी हो सके तू बढ़ता जा हम घटें खुदावन तेरा नाम इज्जत जलाल और महिमा पाए तू हमारी जिंदगियों का रहनुमाई करने वाला परमेश्वर है तू तो तर्स से तब चा दया कर यशु मसीह के बाबर का ताम मांगते हैं सभी बोलेंगे आमीन आमीन बोलो हालेलुया प्रेज गार गॉड ब्लेस यू चर्च खुदावन आप सबको बहुत ब्लेस करें सो सॉरी फॉर दिस इंट्रप्शन एस